नमस्कार, स्वागत है आप सबका जीबीएन 24 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। आई नजर डालते हैं सुपौल की एक खबर पर। सुपौल जिले के कर्णपुर पंचायत अंतर्गत मरीचा से चौंका देने वाला एक मामला प्रकाश में आया है। वार्ड नंबर 12 निवासी सुरेश मिस्त्री ने वार्ड सदस्य रतन कुमार पर सड़क चौड़ीकरण के नाम पर उन्हें और उनके परिवार को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। सुरेश मिस्त्री ने जिला पदाधिकारी और पुलिस कप्तान को एक आवेदन देकर अपने और अपने परिवार की सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई है। सुरेश शर्मा की माने तो उनके घर के बगल से हरिजन टोला जाने के लिए एक रास्ता है, जिसकी चौड़ाई वर्तमान में 6 फीट थी। रास्ते के लिए स्थानीय लोगों और उन्होंने भी अपनी थोड़ी थोड़ी जमीन स्वेच्छा से दे दी, मगर वर्तमान वार्ड सदस्य चुनावी और निजी रंजिश के कारण हरिजन टोला के कुछ लोगों को साथ लेकर सड़क चौड़ीकरण की आड़ में जबरन उनके मकान में से और जमीन देने के लिए उन्हें और उनके परिवार को लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद हमारी टीम ने दोनों पक्षों से बात की। हालांकि वार्ड सदस्य रतन कुमार ने आवेदक सुरेश शर्मा के आरोपों को नकारते हुए उन पर सड़क नहीं बनने देने का इल्जाम लगाया है। कहाँ आए थे, देखते हैं आवेदन हाथ में। जिला पदाधिकारी डीएम साहब को आवेदन मेरे घर पे जो है ना, घर के बगल में गली है जो 5-6 फुट है जो, लेकिन उसको 10 फीट करने के लिए ट्रक और उसे ले जाने के लिए पीछे वाला कुछ हरिजन सब है, वो सब तोड़ फाड़ करते रहता है, झगड़ा झाँटी करते रहता है, इसलिए आवेदन दिए हैं SP साहब को दिया है। और क्या दिक्कत है आपको? वही दिक्कत है कि महिला के साथ बदतमीजी, जब हम लोग निकल जाते हैं घर से काम पर तो महिला के साथ मार्केट, गाली गलौज, बदतमीजी ये सब करते रहता है। तो जब जब आपके साथ ये घटना होती है, आप कहीं जानकारी देते हैं? इससे पहले कभी दिए हैं कहीं थाना में या फिर? पहले सर नहीं दिए तो इस तरह झेल लेते जो भाई समस्या समाधान हो जाएगा, लेकिन अब तक नहीं हुआ तो अब क्या करें, सहारा लेना पड़ रहा है। तो अभी कहाँ दिए हैं आवेदन? डीएम साहब के पास दिया है कलेक्ट्रेट में और SP साहब के पास। कुछ आश्वासन मिला SP साहब से? SP साहब बोले हैं कि मार्केट जो हो रहा है उसको हम देख लेंगे, बाद बाकी आप इसको सुलझाइए। बताइए, यहाँ एक सड़क का मामला है, क्या मामला है बताइए? सर मामला है, रास्ता तो बहुत पहले से है रास्ता, लेकिन सब जो है जो पीछे वाला लोग सब है सब चोरीकरण करने के लिए ज़बरदस्ती मेरा घर तोड़ने के लिए तैयार रहता है। हर बार गाछ था पीछे में, गाछ को काट दिया, एक पर्दा का तार था उसको तोड़ के फेंक दिया और घर घुस के मारपीट किया। तो बार बार ये लोग मारपीट करने के लिए अब भी तैयार रहता है, महिला के साथ अभद्र गाली गलौज करते रहता है। और मेन जो है जो वार्ड सदस्य जो है 12 नंबर कर्णपुर पंचायत का, वही जो रतन शर्मा, उसका बेटा सबसे ज़्यादा, और उसके साथ में और भी है, धर्मदेव भी, सुनदेव, शंभू राम, रमेश राम, ये सारा कुछ एक साथ हो गया है। समझता है कि इस एक घर बढ़ी मिस्त्री को उजाड़ के फेंक दे और बार बार जो है लड़ने के लिए, मारपीट करने के लिए तैयार रहता है। कहता हम लाठी के हाथ से ज़बरदस्ती हम रास्ता लेंगे। जी बताइए, ये जहाँ पे आप खड़े हैं ये सरकारी सड़क में पास है क्या? जी पास है। कब पास हुआ था योजना? 2018 में हुआ था पास, 7 निश्चय से। आप कौन हैं? हम यहाँ का अभी वर्तमान वार्ड सदस्य हैं। इस पर कहीं विवाद भी है इस जमीन पर? विवाद यही है कि इससे पहले योजना बना था, उस योजना में ये जो है उसमें रोक किया था। तो अभी मतलब जो काम चल रहा है क्या? काम योजना तैयार है इसका? हाँ, योजना किया हुआ है जी। लेकिन चूंकि विवादित जमीन है, इस पर काम चालू है? चालू तो अभी फिलहाल में नहीं है। अच्छा, ये सड़क जो है ये कौन सा सड़क है? ये सड़क है हरिजन टोला है, कपलेश्वर शाह के दरवाजा से शंभू दरवाजा तक है, शंभू राम की, और दिल्ली पब्लिक रोड में मिला है। अच्छा ठीक है, ये सड़क आप लोग के हरिजन टोला से जोड़ता है मुख्य सड़क को, महादलित का टोला है ये सब। तो इसमें जो है निजी जमीन क्या कहते अभी पड़ रहा लोगों का? निजी है सर, तो दोनों पार्टी जो है दोनों तरफ से दिया हुआ है स्टाम्प पर लिख, अब स्टाम्प पे लिख दिया मुखिया जी, उसको सब डिस्कशन करके स्टाम्प बना हुआ है। अच्छा, आपके हिसाब से जो जो लोग का निजी पड़ता है वो जमीन क्या कहते हैं लोग अपने स्वेच्छा से, मतलब क्या कहते हैं समाज हित में लोग दिए हैं? जी जी जी। अच्छा, ये पूर्व से ही आ रहा है ना रास्ता, आज तो सर ने बनाया, हम लोग का जन्म भी नहीं हुआ तब से ये रास्ता है।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए GBN 24 न्यूज के साथ।